विधानसभा में जब साधना न्यूज संभाग टीम ने जानना चाहा कि प्रत्याशियों की धरातल स्थिति क्या है और इस चुनाव में आमजन ने क्या मानस बनाया हुआ है, इसी बीच हमारी टीम बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र पांडे के जनसंपर्क के दौरान जाकर जायजा लिया और देखा कि जिसमें भारी तादाद में समर्थकों और आमजन का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रत्याशियों का, आइए सुनते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ के जो दौरा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजन पांडे, तो आइए बात करते हैं इनसे। राजू में संघर्ष करो, जीता था और जीतेगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी है राजन जी से। इस बार कौन से विकास कार्य आपके सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का कि हमने जो कहा उन्होंने किया, हमने जो इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई उन सब की उन्होंने स्वीकृति की। यदि मैं अपने इस जावरा विधानसभा क्षेत्र की एक जटिल समस्या फ्लाई ओवर ब्रिज के बारे में कहूं, जावरा का रेलवे फाटक जहां पर फ्लाई ओवर ब्रिज की मांग विगत 25 वर्षों से चल रही थी, उसकी स्वीकृति देकर के टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर होकर के वे उस जैसा जटिल कार्य भी हमारा आज प्रारंभ होकर के लगातार चल रहा है। उसी के साथ जावरा में हमें 2 स्थानों पर ओवर ब्रिज की पुलियाओं की मंजूरी मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुखेड़ा में और अंगेठी में हमें दोनों ब्रिज की बड़ी स्वीकृति मिली। तो सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें जो हमारे जावरा विधानसभा क्षेत्र में बनी है, जावरा से लेकर के सीतामऊ तक की 57 किलोमीटर की सीमेंट कांक्रीटकरण की सड़क, मैं दावे के साथ में प्रामाणिकता के साथ में कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 2, 4, 5 सड़कों के बराबरी की वो सड़क है, उस जैसी अच्छी सड़क नहीं बनी। आज अयाना से लेकर के सेलाना सीधे पहुंचने वाली सड़क का कार्य चल रहा है, सुखेड़ा से लेकर पंचवा फंटे तक की सड़क की हमें स्वीकृति मिली है, सेमलिया से लेकर के रीछा चांदा तक की सड़क की स्वीकृति मिली है और कलालिया फंटे से लेकर के रिंगरोड के पद्मावती धाम तक की सड़क की स्वीकृति मिली है। 2 लेन हमें मावता से लेकर के सीधे बड़ावदा जोड़ने वाला एक बड़ा 2 लेन का कार्य हमारा स्वीकृत हुआ है। 4 लेन की सड़कें भी हमारी रतलाम से आकर के आज राजस्थान को जोड़ने की उसकी हमें स्वीकृतियां मिली है। तो सड़कों के क्षेत्र में हमने निश्चित रूप से प्रगति की, पुलियाओं के क्षेत्र में हमने निश्चित रूप से प्रगति की, क्योंकि यह कृषि प्रधान हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर डैम की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मैंने 9 डैम की कार्य योजना बनाई थी और 9 में से 9 डैम ही हमारे स्वीकृत हुए, जिसमें से ठीकरिया पिपलोदा तहसील, धतूरिया पिपलोदा तहसील, हसनतालिया पिपलोदा तहसील, वो तीनों बन करके आज तैयार है। तो इसी के साथ साथ में मचुनका और इंदिरापुरी धामेड़ी का हमारी स्वीकृत साध्यता होकर के उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। ये 3 डैम बनने के साथ में हमारे जावरा तहसील में मीनाखेड़ा, आलमपुर ठीकरिया, खेड़ा गोठड़ा और मांडवी का तालाब जो निरस्त हो चुका था, ऐसे 4 डैम की स्वीकृति मिली। कुल मिलाकर हमारे 9 में से 7 डैम बन चुके, उससे कृषि उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ेगा और कृषि उत्पादन के लिए हमें बिजली की निरंतर आवश्यकता होती है। जहां एक बार शासन ने 1000 करोड़ की राशि से फीडर सेपरेशन का काम किया, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युत ग्रिड लगातार अनेक स्थानों पर बनवाया है, जिसका उल्लेख करूं तो काफी समय लगेगा, पिपलोदी से लेकर के खेड़ावदा तक, मचून और हमारे धामेड़ी मामटखेड़ा, इस तरह के ऐसे अनेक स्थान है जहां पर हमने ग्रिड की स्थापना की है। तो उसी के साथ साथ में बड़े विद्युत केंद्र हम कैसे स्थापित कर सके, तो ढोडर का हमारा स्वीकृत हुआ है, माताजी बड़ायला में एक कार्य हमारा चल रहा है, जावरा में एक और अतिरिक्त काम हमारा चल रहा है, वो 132 केवी समकक्ष के बड़े विद्युत केंद्र होंगे, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में विद्युत वितरण हमारा सुगमता के साथ में होगा, पर्याप्त विद्युत मिल रही है, पर्याप्त रूप से विद्युत मिल सके, ग्रिड की स्थापना, उपकेंद्रों की स्थापना बनते हुए और बन चुके डैम हमारे इस क्षेत्र को उन्नति प्रगति की ओर ले जाएंगे। अब आगामी समय में जो हम करना चाह रहे हैं, हमारा बंद पड़ा शुगर मिल जो था, जिसकी एक रोजगारमूलक आवश्यकता थी, सहकारी समिति में पहले कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपये में दे दिया गया था, 1 रुपये का एग्रीमेंट करते हुए कैबिनेट में उसमें मंजूरी दी गई थी तात्कालिक समय में, यहां पर जो मंत्री रहा करते थे, बड़ा दुख की बात है वो 10 साल तक चालू नहीं हो पाया था। मैंने इन 5 सालों में उसे उद्योग विभाग को फिर से हस्तांतरित करवाया, उद्योग विभाग ने कार्य योजना बनाई है,
फूड प्रोसेसिंग जोन के रूप में हम शुगर मिल को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी डीपीआर तैयार हो गई है और वर्किंग एजेंसी एकेवीएन को निश्चित कर दिया गया है। एक बड़ी हमारी आवश्यकता थी अरनिया पिज़्ज़ा मंडी का डेवलपमेंट करना। अरनिया पिज़्ज़ा मंडी जब वहां पर हस्तांतरित होने वाली थी, लेकिन पूरी तरह से बीहड़ वहां पर हुआ करता था, जंगल जैसा दृश्य वहां पर दिखाई देता था, एक पहाड़ी क्षेत्र वहां पर था। हमने लगभग 39 करोड़ रुपए की राशि से उस अरनिया पिज़्ज़ा मंडी को डेवलप्ड करवाया। आज हमारी सर्व सुविधा युक्त हो गई। जब अरनिया पिज़्ज़ा मंडी हमारी